जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अक्षय मैथ क्लासेस और हम हैं अक्षय सर नारदीगंज वाले। क्लास टेंथ में अभी त्रिकोणमिति चल रहा था जिसमें से क्वेश्चन नंबर 15 तक हम बता दिए। आज 16 से बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। 16 नंबर है, यदि टेन थीटा इक्वल टू एम बटा एन तब कॉस थीटा और साइन थीटा के मान ज्ञात करें। कॉस थीटा और साइन थीटा के मान ज्ञात करें। 17 नंबर, यदि साइन थीटा बराबर रूट अंडर 3 कॉस थीटा है तब साइन थीटा और कॉस थीटा के मान ज्ञात करें। 16 और 17 पहले 16 नंबर क्वेश्चन। टैन थीटा बराबर एम बटा एन, एम मतलब लंब हो गया और एन मतलब आधार हो गया, तो कर्ण निकालना होगा और कर्ण स्क्वायर के फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर ऐसा ही रहने दो, लंब स्क्वायर, लंब मतलब कितना का स्क्वायर हो जाएगा एम स्क्वायर और आधार मतलब एन स्क्वायर। तो कर्ण के मतलब हो गया कि जो इधर स्क्वायर है बराबर किस तरफ आके अंडर रूट हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो कर्ण निकल गया, ठीक है कर्ण निकल गया, निकालना है क्या कॉस थीटा और साइन थीटा। देखिए कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, उसी तरह से साइन थीटा बराबर भी फॉर्मूला होता है लंब और बटा में कर्ण। जब कॉस थीटा देखें तो आधार बटा कर्ण, आधार मतलब कितना, आधार मतलब एन और बटा कर्ण मतलब कितना, तो कर्ण तो यही है अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर, जैसे यही है ना साइन थीटा लंब बटा कर्ण। लंब मतलब कितना, लंब मतलब एम और बटा कर्ण मतलब कितना अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। जरा इसमें देखें तो इसको ऐसे कहा जा सकता है कि साइन थीटा और बटा में लिख दो कॉस थीटा, साइन थीटा तो सही है कॉस थीटा को बटा में लिख दो, तो इधर बच गया कितना रूट थ्री, बटा में नहीं कुछ मतलब एक। अब साइन थीटा बटा कॉस थीटा आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन बटा कॉस मतलब होता है टैन थीटा, साइन थीटा ऊपर और कॉस थीटा नीचे मतलब टैन थीटा लिखो। पहले भी हम बताए हों मान निकालते वक्त किसी और वीडियो में, लेकिन बताए होंगे अभी याद रखना। ये हो गया रूट थ्री बटा में एक, मतलब ये नीचे वाला ऊपर वाला हो गया लंब और नीचे वाला हो गया आधार। लेकिन प्रॉब्लम कुछ भी निकालना है तो पहले तो कर्ण निकालना पड़ेगा, और कर्ण स्क्वायर बराबर फार्मूला है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण पता नहीं तो रहने दो, लंब मतलब पता है रूट थ्री के स्क्वायर, तो रूट थ्री के स्क्वायर बैठा दिए, आधार मतलब एक स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो गया रूट और स्क्वायर सिर्फ थ्री, एक के स्क्वायर एक, इसीलिए कर्ण इक्वल टू हो गया जो इधर स्क्वायर है बराबर किस तरफ आके रूट अंडर फोर, और रूट फोर का मान कितना हो जाएगा, रूट फोर का मान हो जाएगा दो, तो कर्ण निकल गया दो। निकालना है क्या ये जरा बताइए, साइन थीटा और क्या निकालना है कॉस थीटा, तो निकाल दो। साइन थीटा के फॉर्मूला क्या होता है लंब और बटा में
कर्ण। कॉस थीटा के फॉर्मूला क्या होता है? आधार और बटा कर्ण। यहाँ साइन थीटा बराबर, लंब ढूंढना है, लंब कितना है? रूट थ्री और बटा कर्ण, कर्ण मतलब कितना है? दो, रूट थ्री बाई टू। यहाँ पे आधार बटा कर्ण, आधार मतलब कितना है? एक, और बटा कर्ण मतलब कितना है? दो, एक बटा दो। तो साइन थीटा निकालना था, कॉस थीटा निकालना था, निकल गया। 16 नंबर 17 नंबर हो गया, नेक्स्ट देखते हैं 18 क्वेश्चन। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 के फर्स्ट, 18 के फर्स्ट में है, यदि कॉट थीटा इज इक्वल टू 21/20 तब कॉस थीटा और साइन थीटा के मान ज्ञात करें, कॉस थीटा और साइन थीटा के मान ज्ञात करें। देखते हैं, हम जानते हैं कि अगर कॉट थीटा कुछ दे ले तो कॉट थीटा बराबर सूत्र होता है आधार और बटा में लंब। तो कर्ण कितना होगा? पहले तो कर्ण निकालना पड़ेगा, कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण पहले मालूम करो। कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र हो गया लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर पता नहीं तो ऐसे ही रहने दो। लंब मतलब कितना के स्क्वायर? 20 के स्क्वायर, और आधार मतलब 21 के स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया 20 के स्क्वायर 400 और 21 के स्क्वायर हो गया 441। इसीलिए कर्ण बराबर कितना हो गया? अंडर रूट 841। तो कर्ण बराबर कितना निकला? जो देखो इधर स्क्वायर था उधर जाकर रूट हो गया, और 841 कितना होता है? तो 841 शायद 29 के होता होगा, 29 के ना होगा, हमको भी नहीं मालूम 29 का स्क्वायर होगा या किसका होगा, देख लेते हैं। 29 के स्क्वायर 9 × 81 16 दो नहीं 32 32 और 8 कितना होगा? 9 × 81 के साथ में 8 दो तीन 18 और 18 दो 36 36 के 36 और 8 = 44 के 4 हाथ में 4 हाँ यही होगा 29 होगा। कर्ण बराबर कितना? 29। अब कर्ण अगर निकल गया 29 तो ज़रा आगे सोचो कि आपको निकालना क्या है। जैसे कॉस थीटा निकाल, अरे देखो हम नीचे नहीं लिखते हैं, बहुत सारे वैसे विद्यार्थी होते हैं जिनका हम कॉपी चेक करते हैं ऑफलाइन में, तो हम नीचे नहीं लिखते हैं क्योंकि अगर नीचे लिखेंगे तो दिखाई नहीं देगा। हम ऐसे घेर के इधर लिख दिए, वो क्या करता है ना, वो भी घेर के ऐसे ही उतार देता है। ये छापन वाड़ी, अगर ऐसे छापोगे तो कैसे काम चलेगा, एकदम हू बहू छाप लेते हो। यहाँ पर नीचे जगह बहुत है मेरे पास, लेकिन अगर लिखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम नहीं लिखते। अगर हम अब इधर लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या? तू भी घेर के इधर लिखोगे, अरे नीचे लिखो यार, ये सब चीज़ भी हर बात बोलना पड़ता है। देखो कॉस थीटा निकालना है, कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता? आधार बटा कर। जैसे साइन थीटा अगर निकालना है तो साइन थीटा के फार्मूला क्या होता है? लंब और बटा में कर्ण। अब जरा सोचो कि कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार कितना देख लेते हैं, आधार कितना 21 और बटा में कर्ण कितना निकल गया था? 29, तो 21/29 हो गया। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है वो भी जरा देख लो, लंब है 20 तो 20 लिख दो, और कर्ण कितना है? तो कर्ण तो फिक्स है कि कर्ण कितना है, देखो यहाँ पे कर्ण कितना 29, तो 20/29 हो गया। तो 18 के पहला नंबर क्वेश्चन हो गया सॉल्व। जरा 18 का दूसरा देखिए,
18 के दूसरा नंबर क्वेश्चन, 18 के दूसरा है कि यदि 15 कॉट ए बराबर 8, तब साइन ए और सेक ए के मान निकालें। ज़रा वो भी देख लेते हैं, साइन ए और सेक ए का मान निकालना। ध्यान दो यहाँ पर, इसको पहले ऐसे लिखो कि कॉट ए बराबर कितना दे ले है, 8/15, और कॉट थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा लंब। तो कर्ण कितना हो जाएगा, पहले कर्ण ही मालूम कर लिया जाए। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण मतलब पता नहीं, तो कर्ण को ऐसे ही छोड़ दो, कर्ण स्क्वायर। और लंब मतलब कितना, तो लंब मतलब हो गया 15 के स्क्वायर, आधार मतलब 8 के स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 15 के स्क्वायर तो खैर 225, और 8 के स्क्वायर 64। और कर्ण अगर मालूम करना है तो रूट अंडर दोनों को जोड़ दीजिए, 9 × 6 = 289, यानी कर्ण बराबर कितना हो गया 17। कर्ण 17 है तो साइन ए बराबर और सेक ए बराबर मालूम करो। साइन ए बराबर फार्मूला होता है लंब बटा में कर्ण, और सेक ए बराबर फार्मूला होता है कर्ण बटे में आधार। पहले तो साइन ए ही देखते हैं, लंब बटा कर्ण, लंब माने लंब मतलब 15, और बटा कर्ण, कर्ण मतलब 17, तो 15/17। सेक ए मतलब कर्ण बटा आधार, कर्ण, कर्ण मतलब यहाँ देखिए 17 बटा आधार, आधार मतलब ये वाला है, यहीं पे देख लो, आधार माने 8, तो 17/8, 18 के दूसरा भी हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, सॉरी 29 लिख दिया, 19 नंबर, 19 में है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, बाकी का जो टर्म है उसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, वैसे भी नहीं लिखल रहेगा तो चलेगा, जैसे 0° से बड़ा है थीटा और 90° से छोटा है तो ये कन्फ्यूज करेगा आपको, क्यों ऐसा क्यों दिया जाता है। तो ये वाला बात वही समझेगा जो आईएएस के स्टूडेंट है, आप 10th के हैं, ज़्यादा दिमाग पे बर्डन मत डालो, कॉस थीटा के मान लो। अभी त्रिकोणमिति सीखिए, त्रिकोणमिति में महारत हासिल नहीं होगा अभी, ना ही आईएएस में ना ही बीएससी में, एमएससी करोगे तब। फिर भी इतना आईएएस में आपको समझा दिया जाता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान आपस में बराबर 2-3 थीटा पे होता है। यहाँ पे सिंपल सिंपलिसिटी में पढ़ाना चाहते हैं हम, उतना टफ नहीं करना चाहते आपको, हम कुछ वैसा नहीं बता देना चाहते हैं कि आपको समझे में नहीं आ गया और हम बाहर लुटते रहें कि बहुत पढ़ा दिए आपको। इसको साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिखो, क्यों, क्योंकि इधर वाला कॉस थीटा इधर आ गया तो इसके आगे नहीं कुछ तो एक होगा ना, एक को ऐसे ही रहने दो। साइन थीटा बटा कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 10 थीटा। अब 10 थीटा बराबर 1/1, मतलब लंब बराबर भी 1 और आधार बराबर भी 1, क्योंकि 10 थीटा के फॉर्मूले होता है लंब बटा आधार। तो कर्ण कितना होगा, एक बार जरा कर्ण के बारे में सोचो, तो कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला हो गया लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब मतलब 1 के स्क्वायर, आधार मतलब भी 1 के स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर इतना निकला, इसलिए कर्ण बराबर कितना हो गया, तो 1 के स्क्वायर मतलब रूट अंडर 2, कर्ण निकल गया। अब अगर कर्ण निकल गया तो निकालना है क्या, साइन थीटा, और क्या निकालना, कॉस थीटा। साइन थीटा के फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण, और कॉस थीटा के फॉर्मूला होता है आधार बटा में कर्ण। देखो चाहे बात लंब की करें चाहे बात आधार की करें, दोनों तो एक ही, लंब बराबर भी 1 आधार बराबर भी 1, तो 1 और बटा में कर्ण, तो कर्ण तो निकल गया है रूट अंडर 2, तो उसी तरह से सेम चीज़ वह यहाँ भी हो जाएगा, 1/√2 हो गया आंसर।
और ऐसे अगर थीटा देखोगे तो 45 डिग्री है, क्योंकि टेन 45 का मान 1 होता है। हम कहे हैं कि एक आध दिन हम याद करवा देंगे, तो टाइम आने पर हम मान याद करवा देंगे। अगर इसका मान याद करने का टाइम आएगा तो पक्का हम याद करवाएंगे। बीस नंबर क्वेश्चन लास्ट 20 में है कि यदि साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अब बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तब कॉस थीटा और 1 बाई टेन थीटा के मान ज्ञात करें। देखिए साइन थीटा इक्वल टू हम फार्मूला जानते हैं, या आप भी जानते हैं कि ऊपर लंब होता है नीचे कर्ण होता है, मतलब ऊपर परपेंडिकुलर और नीचे हाइपोटेनस, तो बेस किधर गया, वेयर इज़ द बेस। तो बेस मालूम करने के लिए लिखते हैं कि हाइपोटेनस के स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। हिंदी बोले तो कर्ण लंब आधार, कर्ण मतलब हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के भी होल स्क्वायर, लंब मतलब ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर, आधार जो कि पते नहीं तो छोड़ दो। अब एक काम करो इसको तोड़ो, एक्स टू दी पावर फोर प्लस वाई टू दी पावर फोर और प्लस में टू ए बी टू, ए मतलब एक्स स्क्वायर अब बी मतलब वाई स्क्वायर, इसको तोड़ो एक्स टू दी पावर फोर और प्लस वाई टू दी पावर फोर और माइनस में टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। एक्स टू दी पावर फोर वाई टू दी पावर फोर इधर है उधर भी है सेम चीज़, इधर भी सेम चीज़, इसको इधर भेजो तो हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर। तो आधार बराबर सिर्फ कितना हो गया, जो स्क्वायर है इधर आके रूट अंडर हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी आधार बराबर बताइए कितना निकल गया, फोर के रूट टू हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के रूट सिर्फ एक्स और वाई। चलो आधार तो निकल गया, निकालना है क्या कॉस थीटा, तो कॉस थीटा अगर निकालना है जैसे कह रहे हैं ना कि कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के फॉर्मूले होता है आधार बटा कर्ण, या मान लो कि 1/10 थीटा ही निकालना है तो इसका फॉर्मूला होगा एक और टेन थीटा माने लंब बटा आधार। हम चाहें तो इसको कॉट बता सकते थे लेकिन नहीं बताएंगे, जैसे है वैसे ही बनाइए, ज़्यादा तेज नहीं बनना है तो वही चला जाएगा जो आ रहा है समझ में, जो आ रहा है वो भी चला जाएगा। अब जो सबसे नीचे है इसको सबसे ऊपर भेज दिए, फिलहाल यहाँ पर देखो आधार बटा कर्ण, बोलो आधार कितना है, आधार है 2xy तो 2xy लिख दिए, बटे में कर्ण कितना है, कर्ण कर्ण कहाँ है कर्ण, हो कर्ण यहीं पे तो है कर्ण, देखो इस जगह पे यहाँ लंब था ऊपर वाला कर्ण ही वाला, तो कर्ण हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, दैट्स राइट आंसर। यहाँ पे आधार बटा लंब बतलाना है तो ढूंढो आधार कितना, लंब तो खैर मिल जाएगा, लंब नहीं चाहिए तो लंब तो यही मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऊपर आधार रखना और आधार इस जगह पे है 2xy। तो आज का ऐसे भी टारगेट था 16 से लेके 20 तक बता दिए, और थोड़ा अभी से एक दो दिन बिजी हैं तो हम आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे, हो सकता है कि कल सैटरडे है, तो देखो ऐसे भी ये क्लास आपको सोमवार से शुक्रवार मिलेगा, सोमवार से शुक्रवार तक मिलेगा, और सैटरडे को मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं। सैटरडे एक बार आप 12 बजे इस चैनल पर आकर चेक जरूर कर लीजिएगा 12 बजे वीडियो क्लास चल रहा है कि नहीं चल रहा, अगर 12 बजे क्लास चलते रहेगा देख लीजिएगा। संडे को हर संडे छुट्टी रहेगा, हर एक संडे को 12 बजे वाला क्लास नहीं मिलेगा आपको, ना ही 12 बजे वाला क्लास ना ही 2 बजे वाला क्लास, और शाम के जो इंग्लिश ग्रामर का क्लास चल रहा है वो ऐसे ही चलते रहेगा। संडे रहे मंडे रहे ट्यूसडे रहे कोई भी डे रहे, शाम वाला क्लास वैसे ही आपको कंटिन्यू मिलते रहेगा, शाम में जैसे त्रिकोणमिति चल रहा है 15-15 मिनट का और जो ग्रामर चल रहा है वो भी मिलते रहेगा। लेकिन ये जो दोपहर वाला क्लास है 12 बजे और 2 बजे ये वाला, सैटरडे और संडे ये दो दिन आपको नहीं मिलेगा। सैटरडे को फिर भी हो सकता है कभी कभी हम पढ़ा दें एक बार चेक कर लें, लेकिन संडे को तो पक्का नहीं मिलेगा। तो आज इतना तक ही देखिए, ठीक है जो भी दिए हैं बना के इसे काम चलाए, फिर मिलते हैं कल, आज के लिए धन्यवाद। Thank you.